रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, जिसको अब अमल में लेकर आया जाएगा और उसकी तैयारी भी पूरी की जा चुकी है। इस बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। और अब आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर, नागरिकता कानून के विरोध में राहुल और प्रियंका सरकार के खिलाफ खोलकर खेल रहे हैं। आज दोनों मेरठ में उस परिवार से मुलाकात करने के लिए निकले थे जो कि प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा का शिकार हुए थे, मगर प्रियंका और राहुल को मेरठ में घुसने से पहले ही रोक लिया गया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रियंका और राहुल का मोदी सरकार पर दोहरा वार लगातार हो रहा है। कल राजघाट पर सोनिया, प्रियंका और राहुल ने सत्याग्रह किया था और उस सत्याग्रह को आज संग्राम में तब्दील कर देने का प्लान था। सुबह ही ऐलान हुआ कि मेरठ में CAA के विरोध में प्रदर्शन करने वालों में जिनकी मौत हुई है उनके परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ जाएंगे। इधर राहुल और प्रियंका की गाड़ी मेरठ के लिए निकली, उधर यूपी पुलिस की धड़कनें बढ़ गईं। राहुल और प्रियंका दिल्ली से निकले लेकिन मेरठ की सरहद में घुसने से पहले ही उन्हें रोक लिया गया। पुलिस की दलील थी कि मेरठ में धारा 144 लगी हुई है, हालात बिगड़ सकते हैं, लिहाजा प्रियंका और राहुल मेरठ न जाएं। हम लोग वो तो है नहीं, कम से कम बताइए कम से कम कहाँ चले, पूरी हम लोग साथ में चलेंगे। आप किस अथॉरिटी से आप रिसीव कर रहे हैं? नहीं, आप अपना नाम पर नाम सब लिखिए ना, वो ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। हम लोग आपके साथ। पुलिस ने राहुल और प्रियंका को रोका तो पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ राहुल गांधी का पारा चढ़ गया। जनता से दूर करने की कवायद नहीं है वो, यहाँ की पुलिस आपके धन्यवाद सर। पांच मौतों पे तो कुछ कहना चाहेंगे आप? पांच मौत आंदोलन छह मर गए, रिश्तेदारों से मिलने आ रहे। प्रियंका गांधी भी तुरंत एक्टिव मोड में आई, उन्होंने पुलिस के सामने ही गाड़ी में बैठे बैठे ही मेरठ में पीड़ित परिवार से फोन पर बात की। प्रियंका जी और राहुल जी दोनों थे और प्रियंका जी और राहुल जी को दोनों को इन्होंने जबरदस्ती रोक करके वापस कर दिया। प्रियंका और राहुल की सियासी चाल पर कांग्रेस के नेताओं ने सरकार को घेर लिया। प्रियंका जी दो दिन पहले परसों बिजनौर गई थी, किसी ने नहीं रोका, शांतिपूर्वक मिली, कोई बात भी नहीं की और चली आई। उद्देश्य हमारा संवेदना व्यक्त करना था, उद्देश्य हमारा पीड़ितों के आंसू पोंछना था, शांति स्थापित। यही तो सियासत है। नागरिकता संशोधन कानून पर कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर बैटिंग कर रही है। ये अलग बात है कि आज राहुल और प्रियंका को वापस लौटना पड़ा, मगर उनकी विरोध वाली सियासत लगातार आगे बढ़ रही है। अरविंद ओझा के साथ आनंद पटेल, दिल्ली आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।